मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ अच्छा। और बहुत क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं जैसे भाई मेरे को भी मिला मेरे को, हाँ। पहली बार हाँ। सच्चाई बताने का तो मैंने कहा सच्चाई बताओ झूठ क्या बोल हाँ। रहे अच्छा। हाँ। फिर एक दिन मैंने वैसी दीपक ने बोला तेरे को कैरी मिनाटी रोस्ट मारेगा मैंने कहा नहीं कैरी मिनाटी भाई मैं नहीं जानता

हमारे लिए भाई है हाँ। और हमारे गांव के साइड का ही है हाँ। सात आठ किलोमीटर दूर हाँ। इसकी भी वीडियो इसने पहली बार मेरे को रोस्ट किया था हाँ। मैंने इसको फोन किया मैंने कहा उसका एक चेला जो साथ में घूमता है मैंने वो मेरे से मिलने आया तो अपना ब्लॉग बनाना था जोगिंदर से मिलना है तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा से बात करा मैंने कहा अभी एलविश भाई मेरे को ना रोस्ट मारिए देख सारी चीज

क्या रहा अभी आऊँ के मैं अभी हॉस्पिटल नहीं अभी आ रहा हूँ तेरे पास तू कहाँ लोकेशन था मेरे फिर कटारे ने बंदा था उस पर फोन ले लिया रहा, मैं भी आ रहा हूँ उनकी ने। ने। बात पता नहीं क्या हुई क्या नहीं हुई तो वो कह रहा भाई मेरे को जान दो यार भाई मेरे को क्यों फंसा रहा है मैंने रिकॉर्डिंग कर ली दूसरे फोन में मैंने केस ठोकूंगा हुआ इनके ऊपर वो भाग गया कुछ नहीं हुआ फिर भाई फिर यार वही बात है भाई अब वो दोबारे कोई मैं वो सिस्टम बढ़ता मैं बोलता था पहले सिस्टम पार्ट दूंगा सिस्टम हैंग कर दूँ सिस्टम ये होगा तो मैंने एक दिन देखा कि एक लड़के ने अटैक करा भाई, देखो, भाई मेरे, अंदर एक चीज है। मेरे सामने गलत हो रहा है या मेरे कोई आगे से गलत बोल रहा है देख भाई मेरे से नहीं देखा जाता नहीं मेरे से रोका जाता चाहे मेरे को लोग गाली दे कोई दिक्कत नहीं है बट भाई मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ यार जिंदगी एक बार मिली है अगर हम अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने ऊपर ये आवाज़ नहीं उठा पाए तो फिर जिंदगी का क्या फायदा सही बात है मानते हो मेरा रूल तो यही था शुरू से तो फिर दोबारा करने लग गया भाई मैंने रिप्लाई कर दिया अब वो ये वाली बात बोलता तू मेरे नाम पे व्यूज यूज़ कर रहा है अरे तू भी तो मेरा टाइटल पे नाम लिख के मेरा फोटो लगा रहा है भाई मेरी दिखा भी मैंने आई के ऊपर पहले ब्लॉग बनाया है पहले उसने बनाया भाई बनाता गया ठीक है भाई मेरे अंदर ये थी मेरे ऊपर कोई एक वीडियो बना देना भाई मैं तब तक मेरी मन की बड़ा से निकलती मैं वीडियो बनाता रहता हूँ फिर

भाई मैं भी इसको लेकर वो नहीं बना रहा मैंने अभी आपको बोलता तो हूँ देखो टाइटल का सीन ही है वो भी टाइटल लेता है भाई हाँ। आशीष भाई ये बताओ मेरे को हाँ। मेरे को क्या जरूरत यार मैं अगर चल मैं मानता हूँ मैंने लगा दिया अगर मैं लगाऊं तो रेगुलर व्लॉग लोग ना यार आप सोचो ना

मतलब करेक्टर ही हुआ यार ये दे, देखो जो मैं नॉर्मल जोगिंदर को जानता हूँ नॉर्मल इंसान है जी एक डाउन टू अर्थ लड़का है ना गर वो एक करेक्टर है वो एक करेक्टर है सच में करेक्टर है क्योंकि तुम जब कैमरा ऑन होता है तभी थारा भाई जोगिंदर बनते हो वरना कॉमेडी करता था कॉमेडी की जान बुझ के जोगिंदर ये कर देगा वो कर देगा वो एक करेक्टर था पर लोगों ने बेइज्जती कर दी मैंने करेक्टर छोड़ दिया यार अब एक बात बातिस भाई आप यहाँ बैठे हो आपका सही काम चल रहा है मैं आपको बार बार ऐसे पिन मारूँ दो बार मारूंगा तीन बार मारू कब तक भाई सही बात बात है आपने एक कभी सुनी है कोई भी आदमी ना जान के बदमाश नहीं बनता जान के कोई गलत काम नहीं करता एक हालात होती है लोग मजबूर कर देता उस चीज को करने हाँ तुम्हें उस टाइम पे हो गया था कि सब तुम्हारी फैमिली में थोड़ी बदनामी ज्यादा हो गई बदनामी हो गई और देखो जी मेरा वो था

यार वो चीज़ है और तो कुछ नहीं है भाई देखो भगवान अपना हाथ रखे भगवान ने इतना कर दिया आज कि मेरी मम्मी खुश है बहने खुश है अपना घर बन गया दो पैसे की इनकम हो गई तो ये सब चीज़ हो गई बस बस और तो क्या है भाई तो अब तुम्हें नहीं होता कि तुम्हें दोस्ती बढ़ानी चाहिए सबसे ऐसे अब कब तक लड़ते रहोगे यार देखो एक टाइम तो आता है ना खत्म करनी चाहिए और सबसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए

एंटरटेनमेंट है यार लोगों हाँ, को मजा आता है हाँ, एक बात और बिग बॉस क्या है, हाँ, है यूट्यूब पूरा बिग बॉस है, 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 है।, हाँ है, है लोग क्या देखते है कि उसने उसको, गाली दी, उसने उसको कुछ क्या दिया देखो भाई मजा आता है लोग मजा तो क्या आता है देखो भाई लोग मजे के लिए करते हैं पर भाई मैं मजे के लिए नहीं करता मेरे को अगर आगे से कोई आके मेरे को तू बोल लेना एक बार सुन लूंगा दो बार सुनूंगा भाई तीसरी बार मैं नहीं सुनूंगा

ऑडियंस को बताना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है तो अब तुमने गाने बनाने क्यों छोड़ दिए बताओ तुमने तीन गाने <laughs> बना के आगे गाने क्यों नहीं बना रहे अब तुम भाई गाने बनाने का देखो सीन ये था तीन आ, चार गाने बना छोड़ दिए देखो भाई वही बात ही मेरे आ, को यूट्यूब पे काम ही नहीं करना था अच्छा सोचो यार मैं गाने बनाता रफ्तार हाँ, भाई सपोर्ट कर रहा था माइक पे लगा रफ्तार भाई

मतलब कितना लाख रुपए दो लाख रुपए पांच लाख रुपए कितने ब्रांड <laughs> नहीं आई हाँ, तो व्यूज से व्यूज से तो इतना पेमेंट होता नहीं बट हाँ। ये है की फेसबुक तो अभी भाई मेरा दो तीन महीने से बंद हो रखा है थोड़ा है वैसे फेसबुक से भी बढ़िया कमा लेता हूँ भगवान दुआ से और ब्रांड डील का तो आपको पता ही आप खुद दिलाते लोगों को घर वालों का क्या कहना है घर वाले जब उस टाइम पे रोस्टिंग वोस्टिंग चल रही थी उस टाइम फैमिली के रिएक्शंस क्या है उस टाइम रिएक्शन ये थे भाई सब साथ छोड़ गए थे अच्छा मेरे खुद के फ्रेंड मेरा साथ छोड़ गए थे रिश्तेदार हंसते थे पड़ोसी हंसते थे मजे लेते थे और ये कहते थे हाँ क्यों बेइज्जती करवा रहा है माँ बाप की तेरा पापा नहीं है इज्जत खराब करवा रखी है

जो मेरी कमजोरी थी ना मैंने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाई भाई मैंने उसको अपनी सीडी बनाई मैं उस सीडी पे अपनी कमजोरी को सीडी बनाता चला गया मैं मजबूत होता गया मेरे को फर्क नहीं है कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है बोलने दो तो, हिंदुस्तान में जो कोई चढ़ेगा उसके ऊपर लोग बोले गई भाई आज मैं कामयाब हो गया तो बस मेरी कमजोरी मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ उसके बाद मैं मोटिवेट ही रहा अरे भाई ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे बारे में और ये मेरे को बहुत लोगों से सुनने को मिलती है कि जोगिंदर बड़ा ही मोटिवेटेड बंदा है भाई देखो मैंने गरीबी देखी है बहुत ज्यादा गंदे लेवल पर गरीबी देखी है मैं समझता हूँ मेरे को एक एक पैसा कैसे बचाना है चाहू तो मैं आज भी गाड़ी खरीद लू बड़ी बात थोड़ी नहीं है दो डील आ गई पर गाड़ी ले ली बट नहीं बहन की शादी करनी है अपना थोड़ा बैकअप करना है अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ताकि कोई कल को दिक्कत ना आए तो ये चीजें करनी है तो अब जैसे कि भाई तुमने इतना स्ट्रगल किया सब कुछ किया हाँ जी भाई अब कैसा लगता है आज के दिन पे कि क्या भाई इतना सब कुछ अचीव कर लिया और फ्यूचर क्या सोचता है जोगिंदर अपना भाई देखो फ्यूचर कुछ नहीं सोच रहा का बस मेरा एक ड्रीम है क्या मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ अच्छा हाँ तो बिग बॉस से कभी कॉल वाला आया किसी का हाँ मेरा पंद्रह सीजन में भी हुई थी मेरी हाँ। मीटिंग पे मीटिंग बिग बॉस का रिगार्डिंग हाँ। ये सोलह सीजन के था इसमें भी हुई थी मेरी अच्छा। बिग करी गाड़ी। फिर। पर किस्मत है भाई भगवान ने ना जब छठी पैदा, मतलब पैदा कहीं ना मेरा लिख दिया कि तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा कितना पैसा कमाएगा अब सब भगवान के ऊपर डिपेंड है जब टाइम आएगा तब जाएगा चलो और भाई बस मेरे अंदर ये चीज है मेरे को ना पब्लिक को दिखाना है की जोगिंदर क्या है मैं वो चीज कर सकता हूँ जो मेरे को सामने दिख रही है मेरे को छोटी चीज दिखती है जिस दिन जाऊंगा भाई उस दिन अवार्ड जीत के जाऊंगा हम भी दुआ करते हैं कि एक दिन जोगिंदर बिग बॉस में जाए <laughs> और बहुत दुआ और <laughs> लोग बहुत प्यार दे ताकि जोगिंदर बिग बॉस का विनर बने और मुझे भी बहुत खुशी होगी उस दिन देखो भाई एक होता है एटीट्यूड एक होता है कॉन्फिडेंस एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस भाई ओवर कॉन्फिडेंस ये कह सकता हूँ मैं मैं जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा सोच रखिये वाली बात

बहुत अच्छा लगा मुझे जोगिंदर से बात करके और जोगिंदर की सक्सेस स्टोरी सुन के तो हम इस टॉक शो को यहाँ पे समाप्त करते हैं थोड़ी हिंदी में ज़्यादा बोल रहा हूँ <laughs> <laughs> भाई बड़ा अच्छा लगा सच में यार मतलब मेरे को खुद ही अच्छा लगा है कि भाई ने मेरे को यहाँ बुलाया अरे कह रहा तू बता अपने बारे में आ, मैंने आ, बहुत वीडियो बनाई है यार पर जो मज़ा यहाँ आया ना भाई ने अंदर की बात पूछी है मेरे को बहुत मज़ा आया और बहुत क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं

देखो वो उनका काम है वो अपना काम करते रहेंगे हाँ। तुम्हारा काम जो है तुम तो अपना काम करो अपना काम करो बस विश्वास भगवान पे रखो बिल्कुल अपना काम करो बिल्कुल आप आज अच्छा काम कर रहे हो बिल्कुल दो रुपए कमा रहे हो लोग आपको गाली देंगे आपको पड़ोसी बकेगी बिल्कुल जिस दिन आप कामयाब हो गए उस दिन आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे बिल्कुल सच है जनता ना घंटों में बदल जाती है जो आज आपके अगेंस्ट है ना हाँ जी कल एक अच्छा काम कर दो आपके फेवर में हो जाएगी वहीं पे दोबारा आप एक गलत हाँ। काम कर दो आपके अगेंस्ट हो जाएगी देखो जनता गलती नहीं होती आशीष भाई मैं नहीं मानता देखो जनता को जो लोग दिखाते हैं बेचारी वो वो चीज देखती है बिल्कुल जनता को क्या पता लोग दिखा रहे हैं जो इंदर ये करता है वो करता है जनता मानेगी उस चीज को बट हम प्रूफ करेंगे ना उस चीज को कि हम क्या है सही बात देखो एकदम तो होगा नहीं दो साल के अंदर

पर दिल से जिस तरह प्यार करेगी ना अपनी खुशी से देखना चमत्कार कर देगा हिंदुस्तान हम भी देखना चाहेंगे वो दिन <laughs> क्योंकि अच्छा लगता है कि कोई करीबों की मदद करता है तो भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है तो बताओ इस वीडियो में कितने कमेंट आ जाने चाहिए फिर भाई <laughs> देखो मेरे को नहीं पता जनता के हाथ में कितने कमेंट आएंगे और कितने नहीं आएंगे भाई ना आने में पांच भी ना आए और आने में भाई पांच हजार दस हजार लाख भी आ जाए सही बात है देखो जिसको चीज वो अच्छी लगेगी वो सपोर्ट करेगा भाई अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेगा ना

लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचे मैं हाँ, मैं भी चाहता हूं। मैं दिल ट्राई कर रहा हूँ तो भर भरमार कमेंट आए मैं ये भी चाहता हूँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को और जोगिंदर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा प्लीज कमेंट करो कमेंट लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो भाई